यो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू SR एपिसोड 1। तो आज के हमारे मेहमान हैं पीयूष जोशी गेमिंग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बूम बम कर देंगे यहां पर। अब तुम लोगों में से जो इसको नहीं जानते तो आपसे एक ही गुजारिश है, छोड़ दो छेद की तलाश, जीवन अभी बहुत लंबा है मेरे दोस्त। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। द पीयूष जोशी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि द पीयूष जोशी क्यों लगाया। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। क्योंकि ये वो बंदा है जिसके ब्रांड न्यू चैनल पे फर्स्ट न्यू वीडियो पे 4 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। 3 दिन में ही 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अपनी उम्र से कई ज्यादा पैसे कमाने वाले इस महान लड़के को मैं अगर द ना लगाऊं तो फिर ये महापाप हो जाएगा। बात तो सही है। जोशी परिवार का 2 चैनल से मन नहीं भरा, उन्होंने एक तीसरा चैनल खोल लिया जिसका नाम है पीयूष जोशी एक्स्ट्रा, एंड उससे वो लोग अर्न करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इनकम। इस चैनल पे 1 शॉर्ट्स अपलोड हुआ है एंड चैनल 4000 सब्सक्राइबर गेन कर लिया और 1 वीडियो पे 16000 व्यूज। अब ये सारी चीजें देखने के बाद कोरोना को भी शर्म आ रहा होगा कि उसे तेज भी कोई फैल सकता है, और वो है जोशी परिवार का चैनल। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। आते हैं मुद्दे पे। इस समय पीयूष जोशी के चैनल पे 194 वीडियोज हैं और पूरे 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वाओ, ब्यूटीफुल। तो चलो आओ हम भी देखते हैं ऐसा क्या है इनके वीडियो में जो हमारे वीडियोज में नहीं है। चैनल तो आज के इस वीडियो में हम काफी टाइम बाद दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और गाइस आज हम इसमें रेड मारने वाले हैं मिलिट्री बेस में। मतलब हम मिलिट्री बेस में घुस जाएंगे पूरे, मतलब मिलिट्री बेस में घुस जाएंगे पूरे। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, अभी दूध के दांत भी नहीं झड़े, बाबू साफ साफ बोल भी नहीं पा रहा है, और खेल करोड़ों में रहा है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और सारा पकड़ा करता कोई, बहुत तकलीफ होती है। जेट वेट लेके निकल लेंगे वहाँ से, तो चलो देखते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज़ देता हूँ कि हमने एक नया चैनल क्रिएट करा है, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा पीयूष जोशी एक्स्ट्रा के नाम से। इसमें काफी ज्यादा मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है, देखना। ये क्लिप देखने के बाद मेरी एक ही गुजारिश है पीयूष भाई से कि प्लीज एक मार्केटिंग का भी चैनल खोलो यार, और हम जैसे जो गरीब यूट्यूबर नादान यूट्यूबर है उनको भी सिखाओ कि कैसे करते हैं मार्केटिंग। चलो भाई कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छी चीज़ है सौरभ जोशी का चैनल ग्रो होने में, तो पीयूष जोशी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बहुत छोटा है, लेकिन अपनी उम्र में यार बताओ बिना किसी के सपोर्ट के ग्रो कर रहा है। अब देखो सौरभ जोशी के ग्रो होने में उनका छोटा भाई जो कि हमारा पीयूष जोशी है, एंड उसका बहुत लंबा, बोल सकते हो बहुत ही लंबा हाथ था वो चैनल ग्रो होने में। लेकिन ये भाई यार अपने दम पे चैनल ग्रो कर रहा है एंड किसी भी बच्चे का मदद नहीं। रुको जरा, सबर करो। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। अभी एक और भी है क्या इससे छोटा। अब देखो इसके चैनल पे मैं वैसे घूम ही रहा था कि मेरा जो वीडियो से नजर फिसल के चला गया कमेंट बॉक्स पे, एंड कमेंट बॉक्स में हमारे वैभव चौधरी जी पीयूष जोशी के लिए लिखते हैं, पीयूष बेटा ये बच्चों का गेम नहीं है। अच्छा। इसमें गाड़ी चलाने के लिए दिमाग और स्किल चाहिए होता है जो चौधरी जी के पास भर भर के कूट कूट के भरा है। कंट्रोल करना तुम क्या लिखा है भाई, कंट्रोल करना तुम्हार जिंदगी में नहीं आएगा चौधरी जी, ये बेटा तुम जैसे को 1 साल से चरा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितना आपकी साल की पॉकेट मनी है ना, उतना ये एक दिन में खा के निकाल देता है। ये भगवान क्या जुलुम है। चलो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पीयूष जोशी एटलीस्ट किसी लड़की का सहारा तो नहीं लेते हैं। अब देखो हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में क्या है ना कि आप मैक्सिमम यूट्यूबर को देखोगे कि सब जो है लड़कियों का सहारा ले रहे हैं कि क्यूट गर्ल्स चैलेंज मी, क्यूट गर्ल्स सेड मी नूबड़ा, ये लौंडिया ने मेरे को नूबड़ा बोला, ये किया वो किया, हर चीज में लौंडिया। लेकिन हमारे जो पीयूष भाई है ना, वो एटलीस्ट किसी लड़की का सहारा तो नहीं ले रहे अपना चैनल ग्रो होने में। असंभव, असंभव बेचोद असंभव। और अभी तो रुको, देखा मुझे वन मंथ की स्पेंड करना है। अरे तो मैं तो एटीट्यूड दिखाते नहीं किसी को, सीधी बात तो ये है भाई, कस्टम करना है भाई हमसे भाई, हरा दे अब बोल।
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे मैं 3 साल से ढूंढ रहा हूँ कि एक लड़की मिल जाए कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन नहीं। तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अब पीयूष भाई को देखो यार, उनके साइज की लौंडियां मिल गई। वाह वाह क्या बात है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। गाइस लाइफ हो तो ऐसी है यार, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। क्या बात है भाई, एकदम सही बात बोला भाई, एकदम सही बात बोला। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल में। नहीं देखी तो आपको यहाँ पर आई होगी उसका थंबनेल, तो आप जाके देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे। तो गाइस उसमें मैं हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली थी, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले। तो देखते हुए ये बच्चा इतनी देर से इंतजार कर रहा था कि कब इसका टर्न आए और ये अपना डायलॉग बोले, कब से इंतजार कर रहा है। बार बार वीडियो आई थिंक कट हुआ है, एंड ये गोद में बैठ के कब से इंतजार कर रहा है कि मेरा डायलॉग आएगा तो मैं बोलूँगा अपना डायलॉग। ओ भाई, लेकिन ये बात है, जोशी परिवार में जो जोश भरा हुआ है चैनल पर ग्रो होने का, वो शायद ही किसी परिवार में होगा। ये बात मानते हो कि नहीं आप लोग। चलो सब कुछ छोड़ो यार, भाई ने अपने छोटे भाई का इस्तेमाल किया, सपोर्ट किया, एटलीस्ट उनके परिवार का हिस्सा है एंड उसको चैनल को ग्रो होने में उतना इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनका जो सारा वीडियोज है ना वो किड्स के लिए बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, एंड इन्होंने कहीं कहीं पे लड़की का भी इस्तेमाल किया है कि गर्ल कॉल्ड मी नोब, आई एम नोबड़ा, लौड़ा लेसन, इस तरीके का। लेकिन मेरी तरह जो लौड़ा लेसन वाला वर्ड है, इस टाइप के वर्डों का इस्तेमाल इन्होंने अपने वीडियो में नहीं किया है। एंड ये मतलब अपना जो वीडियो बहुत संस्कारी तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, एंड इनका जो वीडियो उसमें कोई मतलब रॉन्ग वर्ड नहीं होता, जिससे बच्चे जो है कोई गलत वर्ड नहीं सीखेंगे। और बहुत ही अच्छी बात है कि इनके, लेकिन एक सेकंड क्या बोला पर। बहन चोद मुझे कुछ बोलना ही नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस एक चीज़ और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि भाई जस्ट ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए था, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे पीयूष गेमिंग को किसी प्रकार का कोई भी हेट नहीं देने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा लड़का यार, एंड इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए आप लोगों को। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ इस उम्र में। गाइस अपना करियर इस लेवल पे लेके जाना बहुत बड़ी बात है, इस लेवल का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। एंड मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इनकी तरह अपने गोल के ऊपर फोकस करो, एंड भले थोड़ी बहुत बकचोदिया इस्तेमाल करना पड़े तो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि अगला मेहमान किसको बनाया जाए।